हेलो वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आज के सेशन को भी हम यहाँ पर शुरू करते हैं आपके आने वाले सोलह दिन सोलह मैराथन के दिन दूसरा यानी कि डे टू के अंदर हम टॉपिक का नाम है यहाँ पर जो बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इस न्यूट्रिशन के अंदर सारे पोषक तत्व जिसमें हम विटामिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन सभी के बारे में बात करते हैं और ये सारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले हर एक एग्जाम के लिए केवल रेलवे एसएससी नहीं मैम जितने भी एग्जाम्स हमारे रहते हैं क्या कोई ऐसा है जहां पर आपका विटामिन से क्वेश्चन आए न्यूट्रिशन से ना आए तो भाई आज के सेशन में इसी सभी चीजों को पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग राम राम सभी को नमस्कार और एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देना जो भाई बंधु अभी तक नहीं आ पाए हैं कि सुबह के बच चुके हैं ग्यारह और बारी है अब आपके प्रश्नों को यहाँ पर लगाने की लगभग इस पूरे पोर्शन की जो थ्योरी है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये सेशन जो रहेगा इसमें एमसीक्यू क्यू पीवाई दोनों ही आपके रहेंगे ये सोलह दिन सोलह मैराथन यूट्यूब पर पूर्णतः फ्री है मतलब यह क्लास आपकी डेली सेम टाइम सेम जगह पर चलेगी और हर एक एग्जाम में चाहे आप सीपीओ का पेपर दे रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट दे रहे हैं जो फेज ट्वेल्व का पेपर है आपका आर आरबी ए है आर है एन है मैम तो हर एक एग्जाम में हमारे लिए फायदेमंद रहने वाली है तो कौन कौन तैयार है मुझे एक बार जल्दी से बता देंगे अपने इस सोलह दिन सोलह मैराथन में जहां ये पूरा टाइम टेबल हम फॉलो करेंगे कल बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सेल का जो पोर्शन है वो कवर किया आज बात करेंगे न्यूट्रिशन की कल डाइजेशन फिर परसों आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है प्रकार से पूरा टाइम टेबल शेड्यूल आपको कल पीडीएफ में भी पहुंचा दिया गया था भाई देख लेना एक बार फिर मत कहना कि मैम आज कौन सा दिन था हमें पता नहीं चला कौन से थ्योरी को पढ़कर आना है क्योंकि इसकी सारी थ्योरी ना आपकी अपलोड करा दी गई है मतलब आपके जो लाइव 21 दिन 21 मैराथन की प्लेलिस्ट थी इसके अंदर मौजूद है जहां देखिए सेल का पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसके बाद हमने जो ये कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की क्लास ली थी इसी से संबंधित आपके प्रश्न आज के क्लास में रहने वाले हैं तो ये आपका थ्योरी वाला पोर्शन है जिसने भी नहीं देखा हो अगर कोई रह गया हो किसी का तो भाई इसको कवर कर लेना फिर मत कहना मैम पता नहीं चला था मुझे है ना कि आपका ये जो पोर्शन है वो कहाँ से करना है तो तैयार हो सारे एक बार जल्दी से थम्सअप का साइन शेयर कर दो भाई है ना जल्दी जल्दी से तो आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशन विटामिन का क्या हो जाएगा देखिए क्वेश्चन पूछा है विटामिन कंटेंट इंक्रीज द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ मिल्क इन टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपसे कह रहे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद किस विटामिन की मात्रा है जो कि बढ़ जाती है लगाओ भाई उत्तर क्या होगा सही आंसर मैम आरपीएफ कांस्टेबल बैच कितना मिलेगा ये आरजी विक्रमजीत ऐप पे मिल जाएगा आपको कंप्लीट आरआरबी के लिए जो रेलवे का बैच चल रहा है आप विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो वहां पर आपके लिए पूरा कंप्लीट बैच अवेलेबल है ठीक है भाई जल्दी से लगाइए आंसर अच्छा एक छोटी से बात और बताएंगे कोई अभी ऐसा है जिसको सारे विटामिन के नाम नहीं याद है कोई भी अगर ऐसा है या सबको याद है सबको याद है तो भेज देना एक थम्सअप क्योंकि अगर नहीं याद है तो भैया ये मौका हाथ से मत जाने देना अभी तो समय है तो तुम पढ़ भी लोगे रिवाइज भी भी कर लो याद भी कर लोगे लोगे याद बाद में एग्जाम से पहले कहोगे मैम मुझे विटामिन ही नहीं आता सबसे बड़ा घाटा है तुम्हारा है कि दो नंबर तो तो मैम आने आने ही हैं तो उसमें गलती नहीं करनी है सबको एटलीस्ट विटामिन के नाम और उसकी कमी से होने वाले रोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कवर कर लेना है ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है विटामिन बी ट्वेल्व बहुत बढ़िया देखो दूध से जब दही में परिवर्तन होता है ना आप कहते हो कि मैम दूध से दही जम रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही जमाने में मदद करता है लेकिन वहां पर विटामिन बी ट्वेल्व की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है ये वो जिसे कहते हैं ना ऐसा विटामिन जो तुम्हें बहुत ही कम प्लांट सोर्सेज में मिले तो कहाँ मिलता है भैया ये एनिमल सोर्सेज में ज्यादा मिलता है नाम क्या है इसका विटामिन बी ट्वेल्व को साइनो को के नाम से जाना जाता है हाँ जी साइनो कोबाल क्योंकि अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें धातु उपस्थित है धातु कौन सी है मैम इसमें पाई जाती है कोबाल्ट याद रखना अकेला एक ऐसा विटामिन है और जब भी आप दूध से दही बनाएंगे तो उस समय पर एक बैक्टीरिया कार्य करता है जिसका नाम है लेक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसके कन्वर्जन के दौरान पर यह विटामिन की मात्रा घट जाती है

बट हां कोशिश किया करो कि ना लेनी पड़े फल और ताजी सब्जियां ज्यादा खाया करो है ना कैंसर के उपचार के लिए हैरी पॉटर बिल्कुल सही मैम एक डाउट बता दीजिए कि सर क्यों दर्द होता है देखो एक वजह नहीं है सर दर्द होने की कई वजह होती है कि आपके प्रेशर स्ट्रेस टेंशन एनजाइटी ये भी हो सकता है गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं मतलब एक वजह नहीं होती कोई आपके बोन में चोट लग चुकी है उसकी वजह से भी हो सकता है तो कभी भी इन चीज़ों का एक वजह मत मान के चलना को आपके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं उस आधार पे हमेशा डॉक्टर से बात करके तब इलाज करा करो गूगल वाले डॉक्टर मत बना करो कि जरा देखा सर दर्द क्या है उसने कह दिया ब्रेन ट्यूमर है भाई साहब दिमाग ही खराब हो गया इंसान का है ना ये काम मत किया करो चलो एसएससी वाले बिल्कुल क्लास ले सकते हैं प्रश्न है पेलीग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर क्या है और यहाँ जितने भी उत्तर मेरे सामने बी आ रहे हैं ना मतलब मतलब मैम हम बहुत ही प्यार से अपने आंसर को गलत कर रहे हैं भैया बी कैसे हो सकता है ये बताओ पेंटोथेनिक एसिड का मतलब होता है बी पांच और वो कहला है पेलीग्रा नामक रोग से कौन बचाता है पेलीग्रा एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर व्यक्ति के तीन लक्षण दिखाई देते हैं एक होता है भूलने की बीमारी एक होता है डायरिया हो गया तीसरा होता है डर्माटाइटिस हो गया यानी कि आपको त्वचा पे इंफेक्शन हो गया और ये भी नहीं संभला तो मैम इंसान की मृत्यु हो जाती है तो पेलीग्रा नामक रोग होता है नियासिन की कमी के कारण नियासिन जो कि होता है विटामिन बी तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि नियासिन बी जो विटामिन है हमारा इसकी कमी से रोग बनता है पेलीग्रा का और यही पेलीग्रा का रोग जब होता है तो हमें लक्षण कौन कौन से दिखते हैं पहला दिखा डर्माटाइटिस, त्वचा पे इंफेक्शन दूसरा क्या दिखा डायरिया का दिख रहा है तीसरा क्या दिख रहा है मैम तीसरा दिखाई देता है हमें यहाँ पर

पायरेटॉक्सिन बी सिक्स को कहते हैं और राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी टू तो नाम भी याद रखिएगा क्लियर है सभी को और भाई क्वेश्चंस इसी प्रकार से हमें अटेम्प्ट करने होते हैं जहां हमें चीजें जो हैं वो गलत कम और सीखनी ज्यादा पड़ती हैं हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से अगर सवाल आया है तो चलो गलती कर दी तो जरा लिख लू इसको कलम किताब लेकर बैठना और सेशन के अंत में बता देना कि हमने कितने प्रश्न यहाँ पर आज गलत कर दिए हैं बताइए अगले प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा ठीक है सी एच एस एल के लिए भी बिल्कुल देखो हर एक एग्जाम में मदद करेगा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सी एच एस एल हो सी जी एल हो आपका सीपीओ हो आपके रेलवे में कोई एग्जाम हो हर एक में मदद करने वाला है ठीक है चलो भाई बताओ अगला सवाल का उत्तर और मजा आ रहा है क्वेश्चंस क्लियर होते चले जा रहे हैं तो सेशन को लाइक like वाला बटन दबा देना बिना कंजूसी करें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है सेशन को लाइक like करते चलिएगा और अपने भाई बंधुओं तक भी पहुंचा देना ये कह रहा है किसको कोबाल्ट की आवश्यकता है अब तो मैम मुझे सोचना ही नहीं था अभी आपने डिस्कस किया था विटामिन बी ट्वेल्व भी ऐसा होता है जिसके अंदर एक धातु की उपस्थिति होती है और ये अपनी गतिविधियों को करने के लिए जरूरी होता है अच्छा एक सोर्स होता है स्पाइरोना क्या होता है स्पाइरुलिना कोई बताने वाला है क्या क्या होता है स्पाइरुलिना कोई कवक है कोई शैवाल है कोई प्लांट है कोई जानवर है क्या है स्पाइरुलिना आपके अकॉर्डिंग हाइपर पिगमेंटेशन किससे होता है आपके स्किन के लिए ना मेनली विटामिन सी और विटामिन ई e जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तो उन दोनों का बैलेंस अगर बॉडी में रहेगा आप इजीली हाइड्रेट रहोगे अच्छे अच्छे जो भी फ्रूट्स हैं आपके सीजनल उन्हें खाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएंगी हाई लेवल अच्छा हाई लेवल क्वेश्चन में तुम बहक जाते हो स्पाइरोना फंगस नहीं होती स्पाइरोना एक प्रकार की शैवाल है लेकिन मैम आप हमें यहाँ क्यों बता रही हो कि ये अलगी है एक्चुअली में ये शैवाल जो होती है ये मदद करती है किस काम में आपके बॉडी के अंदर एक प्रोटीन का सोर्स देने में कि कहीं से प्रोटीन नहीं मिल रहा मैम स्पायरोना ले लिया इसमें आपके लगभग 300 से 400 ग्राम मतलब आप ये कह सकते हो इतने गुना ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पर देखी जाती है ठीक है सो आंसर किसका हो जाएगा आपका ये एलगी जो है वो देखी जाती है और ये विटामिन बी का ही एक सोर्स यहाँ पर नजर आता है लोग इसके कैप्सूल खाते हैं मार्केट में आते हैं शहवाल के इस स्पायरोना के तो ये क्या है प्रोटीन सोर्स यहाँ पर दिखाई देता है अगला बताइए कौन सा विटामिन हमें पेलिग्रा नामक रोग से बचाता है बात वही रिश्ता वही सोच नहीं बस मैम ऐसी ही चीजें हमारे प्रश्न पेपर में आ जाएं तो बताओ मजे आए कि नहीं आए हाँ भाई जल्दी से बताओ अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ब्यूटी विटामिन नहीं है यहाँ पे ब्यूटी ई को कहते हैं ना सुंदरता के लिए आपके एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे आता है वो पेलीग्रा से कौन बचाएगा अभी बात करी थी विटामिन बी थ्री का काम होता है जो पेलीग्रा नामक रोग से बचाता है जिसको हम नाम देते हैं नियासिन अच्छा एक बार पता है पेपर में क्या हुआ था नियासिन लिखकर आया ठीक है बच्चे ने आंसर ठीक कर दिया दूसरी बार ऑप्शन में क्या दे दिया दे दिया अब बाद में पता चलता है कि भाई नियासिन की जगह नियसना लिखा है या फिर निकोटिनिक एसिड लिखा हुआ आ गया था तो बाद में समझ आया कि अरे भाई ये तो अलग कुछ है ही नहीं स्टूडेंट ने जाकर के कह दिया कि नहीं नहीं ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने तो नियासिन पढ़ा है याद रखना नियसिन एसिड माइट तीनों ही सेम है तीनों में से कोई भी नाम आता है तो आप बीथ्री को यहाँ पर टारगेट करोगे ठीक है बी को यहाँ पर टारगेट करोगे समझ आ रही है कहानी ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज नंबर सी आगे बात करते हैं ये सारे लक्षण इसके दिखाई देते हैं भूख खत्म हो जाती है घबराहट होती है वॉमिटिंग होती है भूलने की समस्या इंसान को याद नहीं रहता कुछ भी है ना डायरिया हो जाएगा स्किन पे दाद खुजली टाइप के आपके बनने शुरू हो जाते हैं तो ये कहलाती है इसके अगर आप लक्षण को देखेंगे कि कैसे कैसे हमें दिखाई देते हैं तो देखो भाई विटामिन बी थ्री की कमी से जब हमें लक्षण दिखते हैं ना तो ये दिखता है स्किन के के ऊपर कुछ इस प्रकार रैश होने शुरू हो जाते हैं इसी को कहते हैं डरमाटाइटिस डर्मा मतलब त्वचा आइटिस वर्ड इन्फेक्शन के लिए कि त्वचा पे क्या हो रहे हैं कुछ ऐसे दात से दिखाई दे रहे हैं बाकी व्यक्ति के बॉडी में इस प्रकार से भूलने की समस्या और साथ साथ में दिखाई दे जाती है क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अब एक बार फटाफट से कह रहा है किसकी कमी से जीरो अच्छा कौन कौन चाहता है एक ट्रिक के साथ रिवाइज करेंगे बढ़िया करके मैम पहले मेरे बायोलॉजी में बहुत कम मार्क्स आते थे अब बायोलॉजी के 90 परसेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं चलिए बहुत अच्छे भाई सॉन्ग्स ट्रैवल विद सुमित बहुत बढ़िया है ना ऐसे ही बस अपनी देखो निरंतर प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट कोई भी हो आप डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे मेहनत है कंसिस्टेंसी है बस ये दो चीजें आपको करनी है आंसर आ रहा है विटामिन ए ज़ीरोथेलमिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी से आपको दिखाई देता है नाम में क्या लिखा है कि मैम जीरो थेलमिया देखो आंखों के लिए क्या आता है ऑप्थेलिक वर्ड आता है।, है, तो वो जीरो फिटिक में आता है तो याद रखना इस बीमारी में होगा क्या इस बीमारी में आपके जो टीयर्स होते हैं जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं तो आप कहते हो कि भैया टीयर्स की फॉर्मेशन यहाँ पर एबसेंट हो जाती है नहीं बनते आंखों में क्या हो जाता है सूखा पड़ जाता है ठीक है आंखों में सूखा यहाँ पर पड़ जाता है इसको कहते हैं ड्राई आई कंडीशन मतलब इंसान के दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो भाई वो

ठीक है आंखों के अंदर क्या होता है भाई रेटिना होता है तो आंखों के अंदर रेटिना और रेटिना से याद करेंगे रेटिनॉल क्योंकि ये हमारे विजन में मदद करता है आपको अगर एक छोटी सी ट्रिक में बताऊं कि ए से क्या है आंखें हैं आज से ए से आपल भूल आज से 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 ए ए एप्पल भूल जाओ याद रखना ए मतलब आंखें और आंखों में रेटिना क्योंकि वो पड़ता है और पर्दे से ही नाम पड़ गया ए का रेटिनॉल बन गया ऐसे ही जो विटामिन डी होता है हमारे पास डी से याद क्या करेंगे हड्डी याद करेंगे और हड्डियों में क्या पाया जाता है मैम कैल्शियम पाया जाता है तो विटाम विटामिन डी का नाम होता है क्या है इसके अंदर कैल्शियम है किसको मजबूत रखता है हड्डियों को मजबूत रखता है ठीक है इसके बाद आता है विटामिन ई ई का मतलब ब्यूटी याद रखोगे कि नहीं ये बताओ भाई ए से आंखें याद रखा डी से हड्डी याद रखी तो मैं ब्यूटी याद रख लेते हैं और ब्यूटी के लिए जिम्मेदार होता है टोको फेरोल ठीक है ब्यूटी के लिए सुंदरता के लिए जिम्मेदार होता है हमारा टोको इसके बाद अगर विटामिन के की बात करें तो के का, का काम होता है थक्का जमाने का तो के से कहानी नहीं ये राजा रानी की कहानी मत करना के से करना क्लॉट के से क्लॉट जिसको हिंदी में थक्का कहते हैं और इसी का नाम बनता है फाइलो क्यूनोन ठीक है तो याद रखिएगा ये चार हमारे वसा में घुलने वाले विटामिन हैं याद हो जाए तो ट्रिक जो है वो आपको हेल्प कर जाती है ए से आंखें डी से हड्डी ई से ब्यूटी और आपका के से क्लॉट यहां पर हो जाएगा ठीक है शालिनी कुमारी थोड़ा सा थमेंगे बेटा चीजों को समझ के चलेंगे सिर्फ ए का बी बी का सी करना थोड़ी है हमें यहाँ पर मॉक टेस्ट में हमें तो समझ करके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी चाहिए ठीक है चलिए तो इसका आंसर यहां पर विटामिन ए हो गया इसी की कमी से एक और रोग होता है जिसे रतौंधी कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है व्यक्ति को रात में धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है अगला प्रश्न है लिवर डैमेज किस विटामिन की अधिकता के कारण होता है एक्सेस मात्रा कह रहे अधिकता किसकी होती है जिसके कारण आपको लिवर खराब होता हुआ दिखाई देता है मैम नींद को कम करने के लिए क्या किया जाए नींद कम करने के लिए ना थोड़ा सा खाना जो है वो लिमिट में खाओ मतलब आप जो है अगर मान लीजिए तीन रोटी खाते हैं दो कर दीजिए जितना ज्यादा आप खाना खाएंगे उतनी ज्यादा हमें यहाँ पर नींद आएगी अब आप उस खाने की जगह हैवी डाइट की जगह आप बोलोगे ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगा अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आपने वहां पर उस हैवी डाइट की जगह पर फ्रूट्स का इंटेक करना है फलों का इंटेक करना है या पानी वाले जितने भी फाइबर फूड फ्रूट्स होते हैं उनका इंटेक करना है हेल्दी चीजें खाती हैं जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी और आपको यहाँ पर नींद भी नहीं आएगी खासतौर पर खाना खाने के तुरंत बाद आपको नींद आनी इसीलिए खासतौर पर शुरू जाती है ठीक है अब आंसर कर रहे हैं देखो बी टू भी लगा रहे हैं बी भी लगा रहे हैं उत्तर जो यहां पर डी कह रहा है बिल्कुल गलत है बी टू कह रहा है बिल्कुल गलत है जो बी वन कह रहा है वो भी गलत है सबसे पहले याद रखिएगा लिवर खराब कब होता है किसकी अधिकता से एक तो ये लिवर इतना जिम्मेदार व्यक्ति है इतना जिम्मेदार अंग है हमारी बॉडी में और जरा सी अगर किसी भी चीज की मात्रा अधिक हो जाए तो सबसे पहले इसी पे असर आता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो फैटी लिवर एल्कोहल पी लो तो फैटी लिवर लिवर पे सबसे ज्यादा समस्या इसी लिए आती है लेकिन विटामिन बी थ्री ये जो अभी पेलीग्रा करा रहा था कमी से इधर ध्यान दीजिए कमी होगी तो पेलिग्रा हो जाता है और अगर इसकी अधिकता होगी मतलब मात्रा बढ़ जाएगी तो रोग बनता है लिवर की खराबी तब यह लिवर की खराबी करा देता है तब हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि अगर मैं बी वन की बात करूं तो इसको थाइमीन कहते हैं और एक बार मुझे कमेंट में बताओ थाइमीन या बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है इसका पीडीएफ ना रानकस गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जो ऑलरेडी आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन ठीक थी। है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी देखो लिंक जो है वो दिया हुआ है चलो विटामिन बी वन की कमी यानी कि थामीन की कमी से क्या होता है बेरी बेरी नाम का रोग होता है इस बेरी बेरी में पता है क्या होता है आपका दिल और दिमाग दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं दिल पे भी असर जाता है कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटीज पे और आपके दिमाग पे मस्तिष्क पे भी असर जाता है बी टू की बात करूं कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई मुंह में छाले हो गए हैं माउथ अल्सर्स हो गए हैं या होट साइड से फटने लगे हैं ठंड में तो मैम होता ही है ना लगभग कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे आप सब ने ये चीज फील करी होगी तो जो मुंह में छाले हो जाते हैं या साइड से होट फटने शुरू हो जाते हैं वो इस बी टू की कमी से होते हैं इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन इसको कहते हैं राइबो फ्लेविन ठीक है तो ये बी टू होता है इसी प्रकार से डी की बात करूं तो मैम ये तो हड्डी से आगे बढ़ता ही नहीं है हड्डियों को मेंटेन करता है कमी हो गई तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी व्यक्ति की हड्डी टूटनी शुरू हो जाती हैं तो ये कहानी होती है अलग अलग विटामिन की मैं कहूंगी इससे ज्यादा सरल टॉपिक नहीं है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है क्योंकि ये पूछा भी जाता है और आप गलती करके आओगे भैया इससे बड़ा घाटा तुम्हारा नहीं होने वाला ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चीजें क्लियर हो रही है ना तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देना पता तो चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और अपने भाई बंधुओं तक भी पहुंचा देना ताकि भाई उनके पास भी आपका सेशन जो है वो डेफिनेटली पहुंच जाए आंख का लाल होना बी टू जी हाँ चलिए अगला सवाल बताएं एक बार फटाफट से फोकस के लिए कौन सा विटामिन खाएं फोकस के लिए ना आपको सबसे पहले ध्यान लगाने की जरूरत है मेडिटेट करने की जरूरत है फोकस के लिए विटामिन की जरूरत नहीं है अच्छा खाओगे अच्छी चीजें सुनोगे अच्छा आप यहाँ पर मेडिटेट करोगे तो फोकस ज्यादा अच्छे से बनता है ठीक है ग्यारह बजे लाइव क्लास ही होती है डेली लाइव क्लास होती है रोहन सेम टाइम सेम जगह टाइमिंग नहीं बदलेंगे आप मैम तो आपको डेली यही मिलेंगी चाहे संडे हो चाहे मंडे हो सोलह दिन अगले वादा है तुमसे पूरे सोलह दिन लगातार ऐसे ही क्लास चलेगी और बढ़िया से हम साइंस के सारे क्वेश्चंस को करेंगे ठीक है आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन बी फोलिक ऐसे अच्छा जी देखो क्या पूछ रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन मतलब त्वचा में सूजन आ जाती है और क्या हो जाता है एक्जिमा हो जाता है डायरिया हो जाता है अब आप उत्तर लगा रहे हो सी निकोटेनिक फोलिक एसिड वाला आंसर तो देखो गलत हो जाएगा लेकिन अगर आपसे कहेगा कि यहाँ पर एक्जिमा मतलब त्वचा की एक प्रॉब्लम है डायरिया हो रहा है और साथ में त्वचा पे इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ काम करता है हमारा विटामिन बी ए बी थ्री लक्षण किसके हैं रहे हैं तो आप कह सकते हो भैया की जगह क्या दे देगा? दे देगा। अगर पता नहीं है तो फिर तुम ये कहां से आ गया? हमने तो थ्री का नाम नियासिन ही पढ़ा था राइट सो इसकी कमी के कारण डायरिया होगा एक्जिमा त्वचा पे इन्फेक्शन ये देखा जाता है कई बार ना ये जो बी पांच है इसकी कमी में भी सेम लक्षण होते हैं त्वचा खराब होनी शुरू हो जाती है दाद होने शुरू हो जाते हैं आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं लगभग हर फल हर सब्जी में ये वाला बी पांच जो है जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं ये पाया जाता है याद कैसे करोगे पांच से पेंटो पेंटो वर्ड के लिए पांच आता है ना तो हम इसको याद कर सकते हैं कि पेंटो पांच के लिए यहाँ पर आ रहा है दूसरा कह रहा है स्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी होता है और फोलिक एसिड विटामिन बी नाइन होता है ये फोलिक वो एसिड है या वो विटामिन है जो आपके बॉडी में आयरन की समस्या ठीक है आयरन की कमी को नहीं होने देता एनीमिया से बचाता है हमें ठीक है एनीमिया से बचाता है देखिए एक कह रहे हैं है, मैम आप इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं एक बात हमेशा याद रखना जो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं ना जो सोचते हैं कि नहीं मैम मैं ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ लेता हूँ यानी कि सिर्फ जो नाम है वो पढ़ के चला जाता हूं मेरा अकॉर्डिंग एक सजेशन आप मानिएगा कि अगर ऐसे जा रहे हो तो भैया सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे लिए ही कम हो जाएंगे क्योंकि बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति इतना इन डेप्थ पढ़ के जा रहा है कि उसका एक भी सवाल कम न हो सिलेक्शन चाहते हो या सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हो पेपर अटैम्प्ट करना है तो आप वैसे भी चले जाइए ऊपर से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर कंटेंट आपको दिया जा रहा है इन डेप्थ इसीलिए दिया जा रहा है ताकि भैया आप लोगों के अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी मॉडिफिकेशन कर दे तो आपको सवाल पता होना चाहिए थ्योरी पता होनी चाहिए ये नहीं कि मैम चले गए पहले का दूसरा तीसरे का चौथा और कर आए जाकर के आंसर सो so इसका उत्तर क्या हो जाएगा निकोटनिक एसिड हो जाएगा नियासिन की कमी से या इसकी वजह से आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं ऑलराइट राइट ये सारे सोर्सेज आपको इसके बी फाइव के अलग अलग दिखाई देते हैं अगला बताओ बेरी बेरी किसके कारण होता है अब गलत तो नहीं करोगे रेलवे के सभी एग्जाम्स हैं एलपी है आरपीएफ है एन है, है सब में मदद करेगा एसएससी के सभी एग्जाम्स में मदद करेगा ऐसा तो नहीं है ना मैम कि एसएससी में विटामिन कोई और बेरी बेरी कराएगा और रेलवे में विटामिन कोई और बेरी बेरी कराएगा भाई बेरी बेरी का रोग हुआ है तो सब में सेम ही होगा अलग तो होगा नहीं हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है अभी एसएससी वालों तुम्हें तो और ज्यादा डर लगना चाहिए वेंडर चेंज हो चुका है है? फिर पेपर मैम कैसा आएगा वही पुराने पैटर्न पे घिसे पिटे सवाल जो हम करे आए हैं तो फिर क्या मतलब है थ्योरी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो जीएस है आता है तो फटाफट आगे बढ़ोगे नहीं आता तो फिर मैम कोई मतलब ही नहीं है ठीक है ऑल राइट बी वन आंसर आ रहा है मतलब बिल्कुल सही भाई बी वन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा अच्छा बी वन को थाइमीन कहते हैं इसकी स्पेलिंग में ध्यान रखना ये वाला थाइमीन अलग होता है एक डीएनए में नाइट्रोजन का बेस बताया था ये थाईमीन अलग होता है ये नाइट्रोजन का बेस बताया था जो कि कहाँ पाया जाता है डीएनए में पाया जाता है हिंदी में दोनों को सेम लिखते हैं स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा इस थाइमीन की कमी से बेरी बेरी का रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति के दिल और दिमाग कभी कभी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कभी कभी कार्डियो सिम्टम्स भी हमें दिखाई देते हैं कि व्यक्ति ठीक से दिल नहीं धड़क पा रहा है या प्रॉब्लम्स हो रही है ये सारी समस्याएं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मसूड़ों से खून आना पर से जुड़ा हुआ शुरू होता है मैम हो प्रैक्टिस ही इसका एक सही इलाज है प्रैक्टिस करो मैम चाय पीना चाहिए क्या नहीं पीनी चाहिए चाय जहर है ठीक है चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए भाई चाय क्या है एक प्रकार का जहर ही तो है ब्लीडिंग गम्स यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड मसूड़ों से खून आता है इसी को कहते हैं विटामिन सी ये विटामिन सी पाया जाता है मेनली खट्टे फलों के अंदर जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यहां पर ये आपका उपस्थित दिखाई देता है और याद रखना इसी को हम नाम देते हैं आपका एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है खट्टे फलों के अंदर मेनली आप आंवला की बात करो अमरूद की बात करो गुआवा की बात करो इन सभी के अंदर ही आपका या जाता है अच्छा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे इनमें से कौन सा को इंजाइम एक आए घटक नजर आता है जल्दी से बताओ एक बार बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया चलो तो को एक घटक अब एक बात बताओ मैम ये मैमजाइम क्या है को इंजाइम मतलब जो सहायता करता है, जो आपकी मदद कर रहा होता है आपको मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर मलेरिया हुआ है मलेरिया से रोकथाम के लिए मलेरिया से हील करने के लिए जल्दी अगर आप विटामिन बी टू का सोर्स लेंगे ना तो ये सहायता करता हुआ दिखाई देगा जिसको हम सहायक इंजाइम यहाँ पर कहते हैं तो आपका ये जो भाग होता है ना एक होता है विटामिन बी टू का और एक होता है बी सिक्स का ये दोनों मदद करते हैं सहायता करते हुए तो यहाँ पायरेडोक्सिन आंसर जो है वो सही होगा जिन्होंने भी पायरेडोक्सिन लगाया है बिल्कुल सही है जो लगा रहे हैं यहाँ पर रेटिनॉल भैया ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा रेटिनॉल नहीं होता पायरेडॉक्सिन है जो को इंजाइम एक घटक है को इंजाइम मतलब तो ऐसा इंजाइम जो सहायता कर रहा है तो वहां आंसर आपका क्या होगा आपका पायरेडोक्सिन याद रखना दो नाम एक बी टू का जिसे कहते हैं राइबोफ्लेविन और एक बीसिक्स का जिसे कहा जाता है पायरीडोक्सिन ठीक है ये काम, काम करते हैं को की तरह सहायता करने वाले की तरह क्लियर है कोई समस्या नहीं है कोई बात नहीं भाई चलो तो इसे नाम दिया हमने कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फूड सोर्स बेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन ए का कौन सा यहां पर बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का जल्दी से बताओ विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में कहा मिलेगा शकरकंद में कुकर में या फलियों में या डेयरी उत्पाद में कहां पर मिलता है 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 देखिए शरीर के अंदर जो स्वयं विटामिन विटामिन बनता है न, बनता ना वो डी कोई नहीं बनता बाकी विटामिन डी जो है वो बनता है वो भी जब आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज वाली धूप लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में बाकी के एंजाइम बाकी के जितने भी विटामिन हैं वो हमें भोजन से भोज पदार्थ से ही लेने पड़ते हैं वरना मैडम नहीं मिलेंगे ठीक है तो स्टोर होकर के रह जाते हैं वसा में घुलने वाले हमारा जो लिवर है वो स्टोर कर लेता है लेकिन बनता नहीं है बनता विटामिन डी ही है यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा सभी डेरी प्रोडक्ट्स जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं यहीं से हमें मिलता है मेनली दूध की बात करें पनीर की बात करें घी की बात करें ठीक है ये हमारे विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स यहां पर कहे जाते हैं आपका पालक है इसके अंदर गाजर जो है वो बहुत बढ़िया सोर्स है तो आंखों की समस्या किसी को भी रहती है तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाना चाहिए कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए विंटर्स का सीजन था बढ़िया बढ़िया गाजर खाते तो भाई आपके भी विटामिन ए की मात्रा बढ़िया से यहाँ पर इंक्रीज हो सकती थी ऑल डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल लगाते हैं पैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलने वाले इनमें से कौन कौन से विटामिन है जरा आंसर लगाओ कौन कौन से विटामिन वसा में घुलते हुए नजर आते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सेशन को शेयर कर देना अपने सभी दोस्त यार भाई बंधुओं तक पहुंचा देना ताकि उन तक भी आपका जो क्लास है वो पहुंच जाए और लगाओ भाई आंसर मैम हाइट किस विटामिन से इंक्रीज होगा हाइट विटामिन से इंक्रीज नहीं होगा हाइट होती है हार्मोन से जो हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन बनता है वो इंक्रीज कराता है ठीक है आपके डाइजेशन में आपके मेटाबॉलिज्म में ये विटामिन जो हैं वो मदद करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं ठीक है आंसर आ रहा है बी वाला अब देखो जरा देख लेते हैं वसा में घुलने वाले कौन से होते हैं इसमें चार नाम आते हैं के ई डी और ए कीड़ा के नाम से चार नाम अपन याद करते हैं यहाँ पर टोकोफेरॉल विटामिन ई e को कहते हैं नियासिन आ गया बी थ्री इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया अगला कह रहा है कैल्सी तो मैम कैल्सी तो चलो मान लिया डी है टोकोफेरॉल ई e है मगर ये कैरोटीन क्या है कैरोटीन होता है विटामिन ए यानी कि जैसे हम नियासिन की जगह निकोटिनिक एसिड लिख देते हैं ना ऐसे ही विटामिन ए को हम देखते हैं गाजर के अंदर और गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन तो कई बार ना ये नाम भी लिख करके आ जाता है कि भैया कैरोटीन जो है वो क्या है तो आप बताएंगे कैरोटीन विटामिन ए है तो लगभग ए डी ई तीनों ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि वसा में घुलने वाले हैं तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ठीक है बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा ये जो तुम्हारे मन के डाउट्स है ना ये कभी खत्म नहीं हो सकते कि मैम बाल किससे होंगे बालों के लिए विटामिन बी सेवन है कॉफी चाय का सेवन जो है वो ज़्यादा मात्रा में हमेशा हानिकारक है कम मात्रा में लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आकाश गुप्ता जी चलिए अगला बताइए मिलान करो विटामिन बी वन बी टू बी सिक्स बी ट्वेल्व इनके नामों से और कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा फटाफट से उत्तर लगाएं एक बार हेल्थ किस विटामिन विटामिन से इंक्रीज हाइट हाइट अच्छा height के लिए नहीं होता कोई चाय की जगह सुबह उठ करके काढ़ा पीना शुरू कर दो है ना काढ़ा नहीं पीते हैं तो मैम हम यहाँ पर अपना ग्रीन टी पी सकते हैं तो चाय की आदत भी आपकी छूट जाएगी जो चाय की दीवान की रहती है इसको थोड़ा कम करा करो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उत्तर होगा बी वन की बात कर रहा है सबसे पहले तो बी वन मतलब फिर आता है बी टू बी टू का मतलब होता है राइबोफ्लेविन बी सिक्स का मतलब क्या होता है पायरेडक्सिन और बी ट्वेल्व का मतलब साइनोकोबालमीन तो थ्री फोर वन एंड टू ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा सबका आंसर ये आ रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई चलो दूध के अंदर तो विटामिन है ना और कुछ अलग से थोड़ी होता है अगला बताइए बी टू का दूसरा नाम क्या है व्हाट इज दिटामिन बी टू इसका दूसरा नाम क्या देखा जाता है आप ऐसे जो भी पूछ रहे हैं वीओडी बैच या कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच ये आपके आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल है जहां से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो साइंस का कंप्लीट वीओडी वीओडी मतलब ये होता है जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैम हमारे पास एक रिकॉर्डेड फॉर्म में जो कॉन्टेंट है वो हमें एक जगह पर मिल जाए जिससे हम अपनी पूरी तैयारी कर पाए मात्र तीन में बैच आपका आरजे विक्रमजीत ऐप पर अवेलेबल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पर सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो हो चुकी हैं ठीक है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्लस लाइव का भी ऑप्शन है आप जो लेना चाहते हैं वो लाइव में भी अपनी लाइव में भी अपनी क्लासेस ले सकते हो बाकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस शीट सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो भैया ये आप लोगों के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर अभी वैलिड है आप इसमें एनरोल कर सकते हो बाकी जो लाइव कोर्स चल रहा है वो आपका अवेलेबल है ही है साइंस का स्पेशल ये कम से कम आपके लिए दो साल तक के लिए वैलिड रहेगा ये भी आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है तो साइंस की पूरी तैयारी आप यहां से कर सकते हो अगर जीएस का भी पोर्शन आपको चाहिए तो भैया जीएस में कंप्यूटर इंक्लूडिंग हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ आप लोगों के लिए जीएस स्पेशल बैच में अवेलेबल है ये बैच नौ का है और दो साल की वैलिडिटी पर आपको ये मिल रहा है तो जो भी चाहते हैं आप लोगों के लिए सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है आप अपने इन बैचेज में इनरोल करके अपनी तैयारी भी साथ में कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं कि मैम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा राइबोफ्लेविन ही इसका दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं विटामिन बी टू या इसको को इंजाइम भी कहा जाता है अच्छा एक बात बताओ विटामिन पीपी -पी क्या होता है तुमने सारे विटामिन बता दिए मुझे बताओ विटामिन पीपी -पी किसे कहते हैं कौन सा विटामिन है जिसको विटामिन पी, -पी कहा जाता है जल्दी से बिना ऑप्शन के आज जरा देखें किसके कॉन्सेप्ट में कितनी क्लैरिटी है मजा आ रहा है सवाल लगाने में क्यों भाई क्वेश्चंस लगाने में मजा आ रहा है तो सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर देना सभी भाई बंधुओं तक और बताइए पीपी किसे कहते हैं कौन लगाता है सबसे पहला इसका सही उत्तर पी पी का मतलब यहां पर क्या होगा ठीक है सी तो आपने दे दिया यहां पर बी टू को हमने राइबोफ्लेविन का नाम दिया है ठीक है सौविक ने सबसे पहले उत्तर दिया उसके बाद पूजा का आंसर आया है दिव्यांश का आंसर आया है तो भैया पीपी का मतलब होता है विटामिन बी थ्री क्योंकि ये पेलीग्रा से बचाता है ना तो इसका एक नाम पड़ जाता है पेलीग्रा प्रिवेंटिव पेलीग्रा प्रिवेंटिव ठीक है तो पीपी -पी इसको यहां पर कहा जाता है कभी ये भी पूछ ले तो ये ना कहना कि मैम हमें पता ही नहीं था अगला विटामिन कोई ऐसा बताइए जिसमें कोई भी एनिमल सोर्स जो है अच्छा जो किसी भी एनिमल सोर्स में नहीं मिलता है लगभग सारे प्लांट सोर्सेज आपको इसके मिलते हैं कौन सा होगा ऐसा पुनीत बी सेवन नहीं होगा क्योंकि बी सेवन हमारे बालों के लिए अच्छा होता है और ये लगभग आपके आ, बालों के लिए जो है हेयर ग्रोथ के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल माना जाता है ठीक है भाई पेलीग्रा से बचाने वाला बी थ्री ही कहा जाएगा करो करो फटाफट से एक बार आंसर करो ऑल राइट कहाँ नहीं मिलता मैम हमारे पास बीस से ये विटामिन सी है और पता है विटामिन सी मेनली तुम्हारे सभी प्लांट सोर्सेज में मिलता है खट्टे फलों में अमरूद में इसमें आपके आंवला के अंदर संतरे में नींबू में इन सभी में पाया जाएगा तो इसको कहते हैं एसकॉर्बिक एसिड क्या नाम दिया जाता है क्या है ना ये तो मिल जाएगा मैम थक्का बनाने वाला ये तो मिल जाएगा सब हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है ये। ठीक है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इनमें से कौन सा विटामिन ई e का एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई e भरपूर मात्रा में जिसमें पाया जाएगा ये गलतियां तब होती हैं जब हम ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं हमें पता तो होता है लेकिन हम रिविजन ही नहीं करें चलो ई का मतलब होता है ब्यूटी विटामिन अब कौन कौन चाहता है कि मैम हमारी स्किन ना बहुत बढ़िया से ग्लोइंग स्किन रहे कौन कौन चाहता है भाई कोई है सब सब चाहते हैं मैम लड़की हो या लड़की आजकल तो सबको चाहिए स्किन जो है वो हमारी चमकती हुई रहनी चाहिए अब उसके लिए विटामिन ई e लेना चाहिए आपको भरपूर मात्रा में लेकिन ये हमें कहाँ मिलेगा इसी का फ्रेश सोर्स जो है वो है फ्रेश वेजिटेबल यानी कि ताज़ा सब्जियाँ इनकी कही जाती हैं तो याद रखना कि ब्यूटी के लिए टोको फेरॉल जिम्मेदार है और साथ साथ में यही आपको जितनी भी ताजी हरी सब्जियां हैं ना उनमें मिलेगा तो क्या खाना है मैम वो हरे वाले कैप्सूल नहीं लेके आने व्य के जाकर के फेस मास्क लगा के बैठे हुए हैं नहीं जब भी आपको लगे कि भाई हमें स्किन जो है वो अच्छी चाहिए तो आपने ज्यादा मात्रा में पानी पीना है और साथ साथ में ताजे फल और सब्जियों का सेवन यहाँ पर करना है तो बहुत ही बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा अगला सवाल बताइए रिकेट्स जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है लेकिन ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है शरीर के किस भाग को ये प्रभावित करती है बताओ भाई जल्दी से विटामिन डी की कमी से तो होती है मैम लेकिन प्रभावित किस भाग को करती है देखो एक बात तुम्हें छोटी सी बताऊंगी कि जब भी विटामिन डी का नाम आता है एक सेकेंड आप देख सकते हो हमारे शरीर में ई e के लिए तो भैया सुंदरता तुम्हें चाहिए तो हमारे पास ये वाले कैप्सूल आते हैं ना जो हरे रंग के होते हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया इवी के कैप्सूल होते हैं ये लोग यूज करते हैं फेस मास्क में विटामिन ई e के सप्लीमेंट के तौर पर तो ये तो हमें नहीं कर रहे हैं मैम लेकिन अगर हम डी की बात कर रहे हैं हड्डियों की बात कर रहे हैं तो जब भी आपके हड्डियों में समस्या होती है जिसे रिकेट्स कहा है वो बोन को अफेक्ट करता है ये आप देख सकते हो बच्चों की हड्डियां कैसे मुड़ी हुई नजर आ रही हैं तो मतलब ये वाला रोग कहलाता है बच्चों के अंदर रिकेट्स का रोग किसकी कमी से हुआ विटामिन डी की क्योंकि उन्होंने भरपूर मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं किया विटामिन डी नहीं लिया हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है जब हड्डियों का कैल्शियम निकल के बाहर चला जाता है तो ये सारी समस्याएं हमें कहा दिखाई देती हैं विटामिन डी की कमी के कारण दिखाई देती है और इसका एक बहुत खास लक्षण जो लोग कभी नहीं समझ पाते होता है थकान जब भी किसी की बॉडी में डी की, विटामिन की कमी होती है ना उन्हें थकान बहुत ज्यादा होती है उनके पैरों में एड़ियों में जोड़ों में दर्द होगा मसल्स में पेन होगा और उन्हें थोड़ा सा काम करके लगेगा नहीं यार बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी है थक गई है ठीक है सो इसलिए याद रखिएगा फटीग इसका एक बहुत मेजर सिम्टम है जो कभी भी कोई रिलेट ही नहीं कर पाता और रेयरली लोग इसका टेस्ट कराते हैं तो यह बात यहां पर आपकी देखी जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण क्लियर है सबको कि नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बोन इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी करा है बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज जो आसानी से हमारे शरीर में बन जाता है उस विटामिन का नाम क्या है जल्दी से बताओ पेट कैसे कम करें बहुत सारे तरीके हैं एक्सरसाइज करो वर्कआउट करो थोड़ा सा वेट लॉस करने के लिए रनिंग वनिंग पे जाया करो भैया वर्कआउट करना पड़ेगा बैठे बैठे थोड़ी होगा चलो जल्दी से बताओ एक बार आपसे प्रश्न कह रहा है कि सबसे आसानी से कौन बन सकता है मैंने अभी भी आपको सेशन में बताया कि कोई और नहीं बनता किसको छोड़ करके आपके विटामिन डी को छोड़ करके डी है जो सुबह सुबह जाओगे धूप में बैठोगे तो थोड़ी बहुत मात्रा में बढ़ जाता है आपकी बॉडी जनरेट कर लेती है कैसे करती है हमारी बॉडी में स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है एर्गोस्टेरॉल क्या नाम है एर्गोस्टेरॉल ठीक है इसको एक्टिवेट करती है आपकी जितनी भी धूप में यूवी किरणें होती है वो इसको बॉडी में एक्टिवेट करेंगी और ये हमारा विटामिन डी थोड़ी मात्रा में बनाना शुरू कर देता है तो आप बता सकते हो कि भैया विटामिन डी जिसका नाम है कैलसी फेरॉल ये हमारी बॉडी के अंदर रेडिली मैन्युफैक्चर्ड है मतलब आसानी से यहाँ पर क्या हो सकता है बन सकता है ठीक है सो so आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया दे दिया है सभी ने अगला उत्तर देखते हैं क्या है बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग होता है मैम बाल बहुत टूट रहे हैं हेयर लॉस बहुत हो रहा है तो विटामिन बी सेवन लीजिए पालक खाइए ब्रोकली खाइए ठीक है ये आपके जो सोर्स होते हैं बी के ये आपको मदद करते हैं हेयर के लिए है ना बालों के लिए चलो अब बी सिक्स की कमी हुई है बी सिक्स सहायता कर रहा था साथ में ये आपके रोग करा देता है एनीमिया का है ना खून की हीमोग्लोबिन की जो हम कमी कहते हैं ये विटामिन बी सिक्स की कमी के कारण भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है हीमोग्लोबिन की कमी जो है वो हो जाती है विटामिन बी सिक्स बी सिक्स का नाम क्या है पाइरीडॉक्सिन अब देखो बी को याद किया था पेंटो से बी सिक्स को डॉक्सिन में सिक्स ऐसे नाम में आ रहा है तो याद रखेंगे पायरेडोक्सिन बी सिक्स के नाम से जाना जाता है ठीक है कहीं ना कहीं ये आपके एनीमिया का रोग जो है वो करा देता है अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी जोड़ी ठीक से मिलान नहीं खा रही है और देखो याद रखना विटामिन से प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर नाम रिलेट करने को जरूर से देगा तो आपने अगर नाम नहीं याद किया मैं फिर से कहूंगी अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाइएगा वरना फिर वही प्रॉब्लम कि मैम मुझे तो नाम ही नहीं पता थे यहाँ पे ठीक है

डी विटामिन डी को नाम दिया जाता है कैल्सिफेरॉल तो आपका ऑप्शन ये सही से मिलान नहीं खा रहा है क्लियर है चलो नेक्स्ट बताइए स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है स्कर्वी नाम का रोग किसकी कमी के कारण होता है चैप्टर सिर्फ चैप्टर नहीं है चैप्टर आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है तो भाई मजा आ रहा है क्वेश्चंस लगाने में तो सेशन को लाइक कर देना एक बार और अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक भी पहुंचा देना ताकि उन तक भी आपका सेशन जरूर से पहुंच जाए बहुत ही बढ़िया देखिए स्कर्वी जो होता है ना वो विटामिन सी की कमी से होता है सी जिसको हम कहते हैं एसकॉर्बिक एसिड अब इसमें होता क्या है मतलब जब ये रोग होता है ना आपका विटामिन uh, स्कर्वी की जो हम बात कर रहे हैं इस रोग के अंदर हमें क्या दिखाई देता है तो मैम मेनली हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है ये आप देख सकते हो ये जितने भी अलग अलग हमारे फल हैं नींबू है कीवी है ठीक है अपॉमिग्रानेट वगैरह इन सब में क्या पाया जाता है हमारा विटामिन सी पाया जाता है Even अगर हम बात करें आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है लेकिन कमी से ना ये देख रहे हो मसूड़ों के ऊपर कैसे खून आना शुरू हो गया इसी को कहते हैं मसूड़ों से रक्तस्त्राव होना शुरू हो जाता है व्यक्ति के धीरे धीरे करके गम ब्लीडिंग होनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और आप अगर इसके स्त्रोत की बात करेंगे तो स्त्रोत हैं तो काफी सारे लेकिन इसी के साथ साथ जो मेन होते हैं उसमें पपीता अमरूद खट्टे फल टमाटर और आपका गाजर और ये बेल पेपर शिमला मिर्च वगैरह ये सारे सोर्सेज यहाँ पर आते हैं ये आपकी झाइया नहीं आने देता स्किन पे जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा एंटी एजिंग है कैंसर से बचाएगा एंटी कैंसरस है ठीक है ये आपकी प्रॉपर्टी लेकर के यहाँ पर बैठा होता है तो ये ये वसूढ़े खराब कर देता है खून आना यहाँ पर शुरू हो जाता है इवन वायरस से भी तुम याद करो कोरोना काल में तुमने कौन सी दवाई खाई थी कि मैम मैंने तो सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी और सी की गोलियां खाई थी विटामिन सी जिसको लिम्सी कहते हैं है ना तो ये कैंसर से वायरस से इम्यूनिटी बढ़ाने में इन सभी चीजों में मदद करेगा चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कह रहा है कि खाद्य प्रोटीन के सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन से होते हैं जो प्रोटीन हम खाते हैं एडिबल सोर्सेस कौन से हैं मैम वाइट हेयर कौन से विटामिन से ठीक होते हैं वो होते हैं विटामिन बी सेवन से चलिए जल्दी से बताइए एक बार फटाफट से करेक्ट अब बात कर रहे हैं मेन सोर्सेस तो उसमें आता है सोयाबीन की मैम दुनिया ढूंढने जाती है वो प्रोटीन पाउडर के डब्बे लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है उसके बाद बादाम भी मत खाओ तो मूंगफली खा लो मूंगफली में पाया जाता है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में आपका प्रोटीन तो दो स्रोत होते हैं सोयाबीन और मूंगफली जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है प्रोटीन खाद्य प्रोटीन आपका उपस्थित होता है और वही प्रोटीन तुम्हारे शरीर के डेवलपमेंट में मांसपेशियों के विकास में यहाँ पर क्या करेगा मदद करेगा तो सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा हालांकि देखो जो शैवाल की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर आता है लेकिन अभी हमें इसको यहाँ नहीं रखना है ठीक है हमसे खाद्य एडिबल की बात कर रहे हैं हम कौन सी शैवाल जा करके खाते हैं कैप्सूल मिल गया तो किसी ने खा लिया वो बात अलग है ठीक है आ जाओ अगले सवाल पे ये बताइए कॉड लिवर ऑयल जो मछली से मिलता है वो किस विटामिन में भरपूर है विटामिन सी टैबलेट लिमसी जी हाँ जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मज़ा आया है ना क्लास करने में तो लाइक कर देना और डेली क्लास सेम टाइम पर चलेगी सुबह ग्यारह बजे आ, एक बात और कि कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जैसा सीक्वेंस दिया हुआ है इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो उन सभी सेम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही डेली आपकी क्लासेस चलने वाली हैं और आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको लगता है कि मैम मुझे ना घर पे बैठ के तैयारी नहीं हो रही या कोई भी डिस्टरबेंस है या मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आपके लिए रैंकर्स गुरुकुल कैंपस आपके लिए लेकर आया है क्या मैम हमारे पास रहना खाना पूरे बारह घंटे का स्टडी प्लान पूरी लाइब्रेरी की सुविधा सब कुछ हमें दी जा रही है रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में जहां पर रह करके हम अपने टॉपर्स की गाइडेंस में उन मेंटोर्स के साथ हम अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ साथ में हम यहां पर अपने गाइडेंस के साथ अपने पोस्टल जो प्रॉब्लम्स हैं कोई वन टू वन हमें डिस्कशन चाहिए ये सारी चीजें भी हमारी यहाँ पर कराई जाती हैं तो आपका जो गुरुकुल कैंपस है ना दिल्ली में ही है अगर कोई भी चाहता है तो भैया जरूर से अपने उस कैंपस में जुड़ करके आप क्या कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर कर सकते हो ठीक है मैं एक बार आपको यहाँ पर शो भी कर देती हूँ ये हमारा कैंपस का हेल्पलाइन नंबर है कुछ भी अगर आपको समस्या लगती है तो आप यहाँ पर कॉल करके कर बात कर सकते हो ताकि आपके पास रेगुलर जो भी अपडेट्स हो वो आपको मिल जाए ठीक है प्रॉपर बहुत फायदेमंद इसमें आपका जो है वो आसानी से आप अपने हर प्रॉब्लम का निवारण करके करा सकते हो चलो भैया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया कॉड लिवर ऑयल मैम ये होता है ना मछली के लिवर का तेल सोचो एक मछली है ठीक है उस मछली का नाम क्या है कॉड है मछली का नाम है कॉड ये मछली है इसके यकृत को पकड़ के मैंने उसका तेल निकाल दिया उसको कहते हैं फिश कॉड लिवर ऑयल इसके आते हैं छोटे छोटे से कैप्सूल्स उन कैप्सूल के अंदर मात्रा पाई जाती है आपके विटामिन डी की विटामिन ए की ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो मेनली यहाँ पर विटामिन अगर हम डी की बात करें तो ये यहाँ पर उपस्थित होता है जो कि आपको आ, बेसिकली हम कहते हैं इसकी कमी नहीं होने देता इसके बहुत सारे कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं फिश कॉड लिवर ऑयल के जो मछली के यकृत का तेल है और याद रखना जो लोग भी इसका सेवन करते हैं तो भैया उनकी बॉडी के अंदर एक तरीके से डेफिशियंसी नहीं आती कुछ ऐसे ये येल्लो कलर के कैप्सूल्स आपने मार्केट में देखे होंगे या कहीं पर भी अगर ध्यान दिया हो तो मछली का लिवर ऑयल इसको यहाँ पर कहा जाता है विटामिन डी के लिए बहुत अच्छे भरपूर मात्रा में देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं ठीक है, clear है सबको। चलो, बताओ। विटामिन ई का मुख्य काम, काम किसमें है दांतों के विकास में कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सेक्स ग्लैंस की सामान्य गतिविधि के लिए या उपकला उत्तकों का सामान्य स्वास्थ्य बनाकर के रखने में जल्दी से बताइए एक बार देखो ये कंप्लीट क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ चुके हो तो मैम रिवीजन भी हो जाएगा सवाल भी हो जाएंगे कल हमने जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना उसकी क्लास एक बार पढ़ आइएगा ताकि आपको अब आप जो हम कल कराएंगे उनमें और आसानी हो जाए और अच्छे से आप उसको रिवाइज कर पाए ठीक है कल का पीडीएफ आकांक्षा आपके रामकस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मैंने डलवा दिया है उस पर एक बार चेक कर लेना आपका ऑलरेडी पीडीएफ जा चुका है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि मैम देखो विटामिन सी का काम इसका ई का काम जो होता है ना ये सुंदरता में तो होता ही होता है लेकिन साथ साथ में हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, जितने भी हमारे प्रजनन के अंग हैं इनको भी मेंटेन करने का होता है तो जो सेक्स ग्लैंड होते हैं इनकी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी हमारा ये विटामिन ई यहाँ पर मदद करता है समझ पा रहे हो बात को कि नहीं ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी ये दोनों ही काम में मदद करेगा अच्छा मान लो अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा स्किन पे झाइया आनी शुरू हो जाएंगी स्किन अच्छे से ग्लो नहीं करेगी और हमारे प्रजनन अंग काम नहीं करेंगे जिसके कारण व्यक्ति में बांझपन का रोग हो जाता है स्टेरिलिटी हो जाती है इसीलिए बांझपन से बचाने वाला कार्य यहां पर करता है बिल्कुल बढ़िया रोशन सिंह ठीक है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये काम करेगा अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी अपार्ट फ्रॉम एंटी ऑक्सीडेंट ये इसका काम भी देखा जाता है अगला प्रश्न है राइबोफ्लेविन क्या है विटामिन है हॉर्मोन है इंजाइम है कोई फैटी एसिड है या क्या देखा जाएगा जल्दी से बताइए एक दिन में पानी कम से कम आठ ग्लास आपको पीना चाहिए ठीक है इतना तो पानी एटलीस्ट आप सेवन करिए बताओ भाई क्लियर हो रहा है और जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं भाई अगर इन सभी सवालों को करने में आपको भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली है तो एक बार जल्दी से, से सेशन को लाइक कर देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ, आपको सभी चीजें पर समझ में आ गई हैं फटाफट से एक बार बता देना राइबोफलेविन क्या है ये कह रहे हैं मैम अभी आपने विटामिन सी बताया था कहा हो तुम कौन से दुनिया में घो रहे हो ये बताओ राइबोफलेविन मैंने विटामिन तो बताया था लेकिन भैया बताया था विटामिन बी ना ये कोई हॉर्मोन है ना इंजाइम है ना ही कोई ये वसा अम्ल कहा जाता है ये एक प्रकार का आपका बी टू वाला विटामिन जो पानी में घुलता है कैसा है ये पानी में घुलनशील होता है अगर आपने सभी विटामिन अच्छे से याद कर रखे हैं तो निश्चित ही तुम्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगला देखिए कह रहा है आपके प्रकृति में में या पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में जैविक अणु कौन सा है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है उसका नाम लिपिड प्रोटीन काब्स या न्यूक्लिक एसिड है बायोमोलिक्यूल अबंडेंट मात्रा में कौन सा पृथ्वी पर पाया जाता है जल्दी से बताओ एक बार बी है अच्छा ये होते हैं ना कि मैम एक बह गया गंगा में तो मैं भी उसके साथ यहाँ पर बह लिया है ना मैंने भी उत्तर जो है वो यहाँ पर बहकता हुआ कर दिया ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा भैया तुम्हारा काम ये बताओ चलिए सबसे अबंडेंटली कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं मैम उसी में सेल्यूलोज आता है है ना 21 दिन 21 मैराथन की थ्योरी में सब कुछ लिखवाया हुआ है सारा पार्ट तुम्हें लिखवाया हुआ है आपके जितने भी सेल्यूलोर्स का भाग होता है प्रचुर मात्रा में है ग्लूकोज की बात करें सबसे प्रचुर मात्रा में ये सब क्या है ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही तो है जो कहे जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट अबंडेंट तुम्हें यहाँ पर दिखाई देते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में आपके उपस्थित होते हैं ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तर यहाँ पर सही हो गया अगला बताइए इनमें से कौन सा मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का कि क्या ये केवल भंडारण करते हैं क्या ये केवल स्टोरेज करते हैं क्या ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं क्या ये सपोर्ट भी करते हैं या दोनों काम होंगे सपोर्ट और स्टोरेज दोनों के जल्दी से बताओ देखो जो खामखां की इधर-उधर की बातें करोगे भैया ब्लॉक हो जाओगे फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती है ना टीम आपको ब्लॉक कर देगी तो फिर कहेंगे कि मैम अब हमें क्लास कैसे लें फिर हमें समस्या बढ़ जाएगी चलो मैं अभी आपको शो कर देती हूँ सपना देखो आप लोगों की जो पूरी प्लेलिस्ट है ना वो कहा मिलेगी आपको रैंकर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी इस क्वेश्चन पर अभी हम वापस से आते हैं जरा आप लोगों को जिसको भी प्लेलिस्ट नहीं मिली है मैं एक बार आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ आप यूट्यूब पर जाएंगे इक्कीस दिन इक्कीस मैराथन की रेगुलर जो हमारी क्लासेज हुई हैं आप सर्च करेंगे रैंकर्स गुरुकुल जहाँ पर चैनल पर ही आप देख सकते हो ये अभी आपकी क्लास लाइव चल रही है सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है ये ये पूरा टेलीग्राम टेलीग्राम आपको पीडीएफ पर आपकी मिल जाएगी रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल चैनल है साथ में आप देख सकते हो जब आप ये क्लास आपकी अभी चल रही है प्ले वाले सेक्शन में जाओगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए एक प्ले तो हमारी ये बन चुकी है सोलह दिन सोलह मैराथन की ठीक है इसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर ये रही इक्कीस दिन इक्कीस मैराथन की प्ले लिस्ट इसपे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी क्लासेस थ्योरी वाली ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है पहली क्लास सेल है फिर आपकी विटामिन न्यूट्रिशन सारी की सारी क्लासेस जो है वो यहाँ पर है तो किसी ने भी अगर नहीं देखी है तो सारी थ्योरी वाली क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हो और इसी प्रकार से जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं उसमें आप लोगों की अभी जैसे मेरी वाली क्लास चल रही है ठीक है इसके बाद आज आपकी दोपहर में दो बजे प्रशांत सर की क्लास भी रहेगी उसके बाद शाम को सात बजे विक्रमजीत सर की क्लास भी रहेगी रीजनिंग की बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट सीरीज सर कराने वाले हैं और साढ़े बजे आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक मैथ्स का भी यहाँ पर रहने वाला है तो ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों की चलने वाली है कहां पर आज के ही इस सेशन के अंदर मतलब आज ही आप लोगों तो हाँ तो की तरह करता है यानी कि स्टोरेज भी और स्ट्रक्चर बनाने में भी ठीक तो है तो भैया सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा स्टोरेज मतलब भंडारण करता है ग्लाइकोजन के रूप में कह लू स्टार्च के रूप में कह लू और स्ट्रक्चर बनाता है सेलुलोज के रूप में या आपके के रूप में तो आंसर ऑप्शन नंबर डी जो पर बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ट्रायोस के नाम से जानते हैं राइबोस ग्लूकोज ग्लिसरल या डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन ठीक है थ्योरी कर लेना भाई बिल्कुल कर लेना अच्छा ठीक है एक काम करते हैं आज के इस सेशन को रखते हैं होमवर्क में ठीक है मैं आशा करूंगी आप सबको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हो लेकिन ये सवाल आज आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताने वाले हो कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ठीक है यानी कि अब तक तो हमने काफी सारे क्वेश्चन करे मुझे बताओ एक बार आपका स्कोर कितना रहा यहाँ पे ये तो आज मुझे आप ऑफलाइन कॉमेंट करके बताने वाले हो कि मैम सबसे छोटा कौन सा होता है क्या रहा स्कोर कितने करे गड़बड़ ठीक है तो भैया जितने भी गड़बड़ किए हैं ना आप उनको आज रिवाइज कर लेना थ्योरी वाला चैप्टर आपको बता ही दिया है आप जल्दी से उसमें जाकर के अपने क्लास को पढ़ेंगे कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आना उसकी क्लास कराएंगे उसके क्वेश्चन होंगे तो मुलाकात करेंगे आपसे कल के सेशन में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा ठीक है और इसी के साथ रेगुलरली आप लोग के जो बैचेस चल रहे हैं आप इसमें जुड़ करके अपनी क्लासेस कर सकते हो करंट अफेयर्स की किसी को समस्या लगती है तो रोज सुबह आप लोगों की जो क्लास है वो चल ही रही है सुबह आठ बजे वहां पर आप जुड़ करके अपने सेशन को कर सकते हैं रैंकल गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी क्लास कैसी लगी है मुझे ऑफलाइन कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और एक काम सेशन को ना जल्दी से एक बार लाइक कर देना भाई तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे थैंक यू सो मच